अक्टोबर 1 देश में आरंभ हो जाऊँगी 5G सेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टोबर 1 तारीख में एशियार सर्वबृहत टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 5G सेवार शुभारंभ करेंगे। सरकार का नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन पक्षर् ट्वीट मध्यम यह सूचना दी जा भारत डिजिटल परिवर्तन और संजोग को यह नुआ शिखर में पहुंचाई। इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशियार सबुठारु बड़ टेलिकम मीडिया और टेक्नोलॉजी फोरम टेलिकम विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मिलित भावे यहाँ आयोजन करुछि। 5G टेक्नोलॉजी भारत को आसिबा परे बहुत फायदा हेबो। मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स रो प्रतिनिधित्व करतिबा वैश्विक शिल्प संस्था 2023-2040 मध्यरे भारतीय अर्थनीति 36.4 ट्रिलियन टंका बा 455 बिलियन डॉलर लाभवान हेबो बोली आशा रखुछि। पूर्वरु 13 शहर में 5G सेवा आरंभ हेबा बोली कहा जाउथिला तेबे सेथिरे भुवनेश्वर किंबा ओडिसा रो अन्य कोनसी शहर स्थान पाई नथिला। किंतु परे जोगाजोग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते जे प्रथम पर्यायर ओडिशा रे एही सेवा उपलब्ध हेब। अक्टोबर 1 देश में आरंभ हो जाऊँगी 5G सेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टोबर 1 तारीख में एशियार सर्वबृहत टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 5G सेवार शुभारंभ करेंगे। सरकार का नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन पक्षर् ट्वीट मध्यम यह सूचना दी जा भारत डिजिटल परिवर्तन और संजोग को यह नुआ शिखर में पहुंचाई। इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशियार सबुठारु बड़ टेलिकम मीडिया और टेक्नोलॉजी फोरम टेलिकम विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मिलित भावे यहाँ आयोजन करुछि। 5G टेक्नोलॉजी भारत को आसिबा परे बहुत फायदा हेबो। मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स रो प्रतिनिधित्व करतिबा वैश्विक शिल्प संस्था 2023-2040 मध्यरे भारतीय अर्थनीति 36.4 ट्रिलियन टंका बा 455 बिलियन डॉलर लाभवान हेबो बोली आशा रखुछि। पूर्वरु 13 शहर में 5G सेवा आरंभ हेबा बोली कहा जाउथिला तेबे सेथिरे भुवनेश्वर किंबा ओडिसा रो अन्य कोनसी शहर स्थान पाई नथिला। किंतु परे जोगाजोग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते जे प्रथम पर्यायर ओडिशा रे एही सेवा उपलब्ध हेबा।